नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास को और इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं पढ़ते पढ़ते गुप्त साम्राज्य तक। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है और गुप्त वंश के शासन का प्रारंभ श्री गुप्त ने किया था, किंतु इस वंश का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त ही था। चंद्रगुप्त 319 से 335 ईस्वी तक। गुप्त अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी और गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच जो कुल अंतर था वो 241 वर्षों का था। चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ था और कुमार देवी से विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम को वैशाली का राज्य प्राप्त हुआ। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राएं यानी कि चांदी की मुद्राओं का प्रचलन शुरू करवाया था। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। वह स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहने पर गर्व का अनुभव भी करता था। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। हरिषेण रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। इसने दिग्विजय की योजना बनाई थी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस योजना का ध्येय था धरणी बंध यानी भूमंडल को बांध लेना। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के बाद एक अश्वमेघ यज्ञ भी किया था और अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी धारण की थी। ये एक उच्च कोटि का कवि भी था। उसने कविराज नाम से कई कविताएं भी लिखी और एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन। तो मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने के लिए अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी कि आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। पराजित राजाओं में अच्युत, नागसेन और गणपतिनाथ ये प्रमुख थे। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था और समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण भी दिया था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की धम्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख भी मिलता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 413 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक हुआ, किंतु वह बहुत दुर्बल था, अयोग्य था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों और विजयों दोनों प्रकार से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अन्य नाम देवराज तथा देवगुप्त भी थे। धाम नाम से भी इसका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और जबकि द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। उसका प्रधान सचिव वीरसेन जो कि शैव था और सेनापति अमकारदव जो कि बौद्ध था। पाटलिपुत्र से फाहियान ने वापसी यात्रा प्रारंभ की, तब उसकी पूरी यात्रा के विवरण में कहीं भी सम्राट का उल्लेख नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में रजत मुद्राएं यानी कि सिल्वर कॉइन्स चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था तथा शकारी उपाधि धारण की थी। यह एक व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था और इसके दरबार में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके 9 रत्न थे, कालिदास, धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पर, वराहमिहिर, वरुरचि। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 412 ईस्वी भारत यात्रा पर आया था। उसके बाद शासक बनता है 413 ईस्वी में कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। इसकी माता का नाम ध्रुव देवी था।
सर्वाधिक उल्लेख जो गुप्त शासकों में किसी का मिलता है तो कुमार गुप्त का ही मिलता है। उसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ और कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। इसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की और अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। कुमारगुप्त 415 से 454 ईस्वी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर आता है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी में बुधगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था और वह बौद्ध था। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी कराया। उसने पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था और 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित भी किया था। हूणों के आक्रमण से भारत को सुरक्षा देने का श्रेय स्कंदगुप्त को है। उसने पुष्यमित्रों के विद्रोह को भी समाप्त किया। उसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है। गुप्त शासन के शासक या गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण एक लेख में मिलता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और 570 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को। नमस्कार।